हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ मथुरा का प्रसिद्ध पेड़ा। यहाँ पे मैं फुल क्रीम मिल्क ले ली हूँ, उसको बॉईल करने चढ़ा दी हूँ और उसे हमें लगातार चलाते रहना है। और साथ ही हमें उसे इलायची पाउडर रेडी कर लेना है। जितना इलायची का दाना आप ऐड करेंगे, उतना ही शुगर डालकर इसका बेलन की हेल्प से एक फाइन पाउडर तैयार कर लें और मिल्क को लगातार हाई फ्लेम पर उबालते रहें और इसे चलाते भी रहें, नहीं तो ये कढ़ाई के तले पर चिपकेगी। आप कोई भी बर्तन में बना सकते हैं जिसकी जो मोटी हो, जिसकी तले मोटी हो, जिससे वो चिपके नहीं तले पे। तो देखिए, मैं लगातार चला रही हूँ और फिर हम इसमें कार्डमम पाउडर जो हमने तैयार करके रखा है वो ऐड कर देंगे। ये पेड़ा बनाना बहुत ही आसान है। तो हम जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो हमें घर का बनाया हुआ ही पेड़ा खाना चाहिए। तो देखिए, हमारी मिल्क कितनी गाढ़ी हो गई है। आप इसे लगातार चलाते रहें। और अब इसमें मैंने कार्डमम पाउडर भी ऐड कर दिया है। यह इतनी आसान रेसिपी है, किसे कोई भी बना सकता है। फिर आप इसमें अपने पसंद का, जितना पसंद करते हैं आप शुगर, उतना शुगर ऐड कर लें। शुगर पहले ऐड नहीं करेंगे, जब इस कंसिस्टेंसी की मिल्क हो जाएगी जब ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, नहीं तो पेड़े का कलर बहुत ही डार्क हो जाएगा, तो फिर वो मथुरे वाले पेड़े का टेस्ट नहीं आएगा। तो जब इस कंसिस्टेंसी की होगी तभी हम इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। फिर जैसे ही शुगर में एक दो उबाल आएगा, फिर हम बंद कर लेंगे गैस और फिर थोड़े से ठंडा होने के बाद हम इसे हाथों की हेल्प से गोल गोल करके फिर हथेलियों से उसे दबाते हुए पेड़े की शेप में बना लेंगे। ये पेड़ा हमारे लड्डू गोपाल को जो मथुरा में भोग लगता है ना, बिल्कुल वही स्टाइल पेड़ा है। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं ये पेड़ा और अपने लड्डू गोपाल को भी भोग लगाएं और ख़ुद भी खाएं। है ना बहुत आसान रेसिपी, आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए, मैं सारे पेड़े को इस तरह तैयार कर ले रही हूँ। फिर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, ये जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दें और इन्जॉय करते रहें अपने घर की बनी हुई पेड़ा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।